मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले बताया था कि मेरे पौधों को कीड़े लग गए हैं। पौधों को नहीं, दो पौधों को ही, एक शिमला मिर्च और एक हरी मिर्च के पौधे को। तो मेरी बेटी उन कीड़ों की तस्वीर खींच के ले गई थी और उसने स्टोर पे जाके जहाँ से हर किस्म की चीज़ें, दवाइयाँ पौधों की, फूलों की और बीज वगैरह, बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ से जाके उनको दिखाया। तो उन्होंने मुझे कल ही स्प्रे भेजा है और मुझे, मैंने जो अपने पौधों को देखा है वो ये वाला कीड़ा है जो उनको लगा था, ग्रीन रंग का। तो ये मैंने, ये 5 मिलीलीटर की बॉटल है और ये मुझे मिली है 9.90 की, यानी 10 फ्रैंक की। मैंने बाद में देखा कि मेरे जो ये टमाटर के, खीरे के, ऑरेंज के, इन सब पौधों पे भी वो कहीं कहीं कोई कोई कीड़ा, और ये खीरा जो है इन पे सब पे कोई कोई कीड़ा मुझे वो नज़र आ रहा था। इसका मतलब है कि इस पे भी इब्तदा हो गई थी कीड़े लगने की। तो मैंने अब ये कल किया है, उन्होंने कहा था एक तो आज ही कर दें, फिर एक ये कल करें, यानी आज का दिन मैं दूसरी दफ़ा करूँगी, और फिर एक हफ्ते के बाद करना है, फिर एक महीने के बाद करना है। और मेरी बेटी ने उनसे पूछा था कि चूँकि वो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ फ्रूट वगैरह हैं, तो उस पर हम, ये कोई मसला तो नहीं होगा? उन्होंने कहा नहीं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है बियो, बियो मीन्स कि ये ऑर्गेनिक है, तो जो कि हार्मफुल नहीं है सब्जियों के लिए, पौधों के लिए, सलाद के लिए, तो ये हम करेंगे। तो मैंने कल कर दिया, अब आज करूँगी। और कल मैंने किया था और उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा था कि जितने भी कीड़े जो मुझे नज़र आ रहे थे वो सब मर गए थे। तो ये बड़ा अच्छा मुझे तो लगा है। तो अब कल किया था, आज करूँगी, और फिर एक हफ्ते के बाद, फिर एक महीने के बाद एक दफ़ा मैंने करना है। तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा था देख के, मैंने कहा शुक्र अच्छे टाइम पर स्प्रे आ गया, नहीं तो इतने फूल आ रहे हैं टमाटरों के ऊपर और इतने ढेर सारे ये देखें कीड़े लग रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब मेरी तो सारी मेहनत ही ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के स्प्रे ने अपना काम किया है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये 5 मिलीलीटर की बोतल है, तो मुझे लगता है कि मुझे एक और लानी पड़ेगी, इसलिए कि ये एनफ नहीं है तमाम पौधों के लिए, मेरे के लिए। तो देखिए, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि कीड़ा तो लग गया है, लेकिन अब ये भी शेयर करूँ कि उस कीड़े का मैं क्या इंतज़ाम कर रही हूँ लगाने का। बहुत गर्मी है और ये पूरा हफ्ता 29-30-31 तक टेम्परेचर जाना है। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो हंसेंगे सुन के कि बहुत गर्मी कह रही है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर बहुत गर्मी है। जैसे कि यहाँ पे समर सीज़न जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 25-26 तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, और फौरन बारिश हो जाती है, लेकिन हमारे लिए 30-31 बहुत ज़्यादा है। तो कल भी 31 था और आज भी 31 बता रहे हैं। मैं बनाने लगी हूँ अभी गोश्त। पहले सोचा था कि गोश्त आलू बनाऊँ, लेकिन फिर घर वालों ने कहा कि नहीं जी, गोश्त बनाओ लेकिन भुना हुआ गोश्त बनाओ। बस मैं फटाफट वही बनाने लगी हूँ, सिंपल तरीके से सारी चीज़ें डाल के चढ़ा दूँगी और बस लास्ट में थोड़ा सॉइल डाल के तो उसको भून लूँगी। कलौंजी, पिसा धनिया, हल्दी, ज़ीरा और मिर्चें और नमक, बस नॉर्मल जो चीज़ें हांडी में डलती हैं। और ये ढेर सारा लहसुन मैंने छील लिया, इसको बस ऐसे ही मैं डाल दूँगी और ढक के पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, उधर मैंने चढ़ा दिया है बच्चों के लिए गोश्त, उनको भुना हुआ गोश्त चाहिए। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने तोरी के साथ गोश्त खाना है, गोश्त तोरी खानी है, खाली भुना हुआ गोश्त नहीं खाना। इसलिए अब उनके लिए अलहदा मैंने थोड़ी सी बूटियाँ निकाली हैं अलहदा, और अब उनके लिए अलहदा तोरी गोश्त बन रहा है। इसके बीच में भी मैं ये 4 टुकड़े टमाटर के डाल दूँगी, और जब हल्का सा सेक लग जाएगा तो फिर मैं इनको निकाल दूँगी। और साथ ही मैंने ये 2 तोरियाँ ली हैं, इनको मैंने छील लिया है, और साथ ही मैं गोश्त के मसाले और सब चीज़ों के साथ ही मैं ये डाल दूँगी, इसलिए कि जो तोरियाँ पानी छोड़ेंगी उसी में गोश्त गल जाएगा, और लास्ट में फिर मैं इसमें डाल के ऑयल और भून लूँगी। बस ग्लास सालन तैयार हो जाएंगे दोनों, ठीक है। फिर ऐसे तो ऐसे ऐसे वो बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं।
इसको ही की आग पे मैंने पकने के लिए रख देना, तोरी का ही जो पानी छूटेगा उसी में गोश्त भी गल जाएगा और तोरी भी गल जाएगी, कोई पानी शानी कुछ नहीं डालना।